YouTube चैनल बहुत दिनों के बाद। सो आज है 19th of September और आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग, लाइक सीरियसली बहुत दिनों के बाद। आशी का बर्थडे था 13th को और उसके बाद से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं करा था, कुछ भी शूट नहीं किया था। और होप कि आप लोगों ने आशी का बर्थडे ब्लॉग देख लिया होगा। सॉरी मेरी नज़र थोड़ी सी ऐसे इधर उधर जा रही है क्योंकि सामने एक आंटी काम कर रही है और वो मुझे ऐसे देख रही है, उनको लग रहा होगा कि क्या अजीब सी हरकतें कर रही है ये लड़की। सो यस गाइज, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बहुत से लोगों को लग रहा था कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है। अब एक्चुअली में मुझे कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगी। तो आगे आप लोग बने रहें पूरी स्टोरी जानने के लिए कि एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे जो सारे सिम्टम्स थे सब कुछ कोरोना से मैच कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताने वाली हूँ, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। सो या बने रहें, और फिलहाल मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से फ्रेश होने के बाद। जैसा कि मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि आशू के बर्थडे के दिन जो है मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि हालत मेरा इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि मतलब लोग मुझे कोरोना के टेस्ट के लिए लेके जाने वाले थे। सो स्टार्ट करते हैं 12 सितंबर से, क्योंकि उसी दिन से मेरा तबीयत जो है थोड़ा थोड़ा ख़राब होना चालू हुआ था। तो गाइस, आप लोगों को सबको पता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ। मुझे ये चीज़ पता है कि वो मेरे हेल्थ को हार्म करता है और मैं डायरेक्ट शुगर इनटेक करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कोल्ड ड्रिंक की काफ़ी ज़्यादा तलब होती है। और मैं टाइम बिल्कुल देखे बिना रात के 1:30 बजे 2 बजे ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती थी, या फिर आइसक्रीम के मुझे उधर बहुत ही ज़्यादा चस्के लग चुके थे। लाइक मैं कभी भी जाती थी अमूल से गुजरती थी तो वहाँ से अब बड़े वाला आइसक्रीम के फैमिली पैक ले लिया, ऐसा भी नहीं कि उसमें से मम्मी पापा या आशु कोई खाता है, उसमें से मैं ही सारा खाती थी। वो लोग बस एक एक बार अगर खाते थे तो खाते थे सॉरी, वरना मुझे पूरा पैकेट होता था वो मेरा होता था। सो सॉरी गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल में देना चाहती हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट हो और मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये जानने का आप लोग का भी पूरा 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 हक बनता है, क्योंकि आप लोग यार मेरी वीडियोज़ देखते हो तो वीडियो से आप लोग मुझसे कनेक्ट होते होंगे, तो इसलिए मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरी बकवास बोरिंग लग रही होगी तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो, लाइक जहाँ से मैं मेन टॉपिक्स चालू करने वाली हूँ, कोरोना के बारे में बताने वाली हूँ। सो आप तो वही, 12 तारीख को मेरी कज़न्स आई हुई थी घर पे, क्योंकि आशी का बर्थडे हम लोग रात के 12 बजे सेलिब्रेट करने वाले थे। उस दिन जो है मेरी मम्मा का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था कि उस दिन उनसे उठा तक नहीं गया था बेड से, और उस दिन सारा काम घर का मैंने किया था, लाइक खाना बनाना, पराठे वगैरह, सब्जी, चावल फ्राई, जितने भी कुछ थे बर्तन सब कुछ एक एक काम मैंने किया था उस दिन। और उस दिन जैसे कि मम्मा के रूम में मम्मा पापा आशी सोई थी और मेरे रूम में बेड पे मेरी कज़न सोई थी, और मेरी एक कज़न मेरे साथ नीचे सोई थी लेकिन फिर वो बाद में ऊपर चली गई थी तो मैं नीचे सोई हुई थी। तो आधी रात वो भी मेरे साथ सोई हुई थी लेकिन वो आधी रात के बाद ऊपर चली गई थी। सुबह हम दोनों को ही सर्दी हो चुकी थी, लाइक मेरा नाक काफ़ी ज़्यादा जाम हो चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही थी, बट मैंने इसे मतलब नॉर्मल लिया कि ठीक हो जाएगा, रात को कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था मैंने इसीलिए। तो मुझे ऐसे ज़मीन पे सोने की आदत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुबह से ही मेरा जो सर है ना वो थोड़ा भारी भारी सा लगने लगा मुझे, बट ऐसा मेरे साथ होता है क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा ना कि मैंने रात को अच्छे से सोया नहीं है, ज़मीन पे सोई हूँ, तो इसलिए मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब मुझे लग रही थी। बट धीरे 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 वो जो हेडेक था वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होते गया और मेरा नाक जो है काफ़ी ज़्यादा जाम होते गया और मुझे इतना ज़्यादा सफोकेशन होने लगा कि मुझे मुझसे सांस प्रॉपर तरीके से नहीं लिया जा रहा। उसके बाद हम लोग दिन में आशी के लिए बलून्स वगैरह फुला रहे थे, उस टाइम पे जो मेरा हेडेक है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था, लाइक इतना कि वो मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा था। उसी टाइम पे मुझसे जितना मतलब बैलून वगैरह सब हुआ मैंने उतना किया, उसके बाद मैं घर आ गई और मैंने प्रॉपर रेस्ट किया, मुझे लगा कि मैं 1-2 घंटे सो लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, बट उस टाइम से मैंने सोने के मतलब मैं सो ही नहीं पा रही थी, मेरा आँख वगैरह काफ़ी ज़्यादा जल रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था अंदर से। कैसे कैसे उठ के मैंने कुछ कुछ काम किया क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा जाना ज़रूरी था और मैंने सोच रखा था कि मैं आशी के बर्थडे का एक एक चीज़ सब कुछ जो है वो
व्लॉग करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके लिए मेमोरेबल बनाऊँगी। उसका 10th बर्थडे था, ये बेटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, वो 10 साल की हो गई। लाइक उसने एक मतलब एक अच्छी मतलब पड़ाव पार किया, 10 साल का होना इस मतलब हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। बट वैसा मैं नहीं कर पाई, मैं कुछ ना कुछ नहीं कर पाई उसके लिए, जिसका दुख मुझे अभी भी है। बट उसके बाद मैं रेडी वेडी होके शाम को नानी के घर पे रेडी भी मैं क्या ही हुई थी, आप लोगों ने उसके बर्थडे व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बस ऐसे जो मैंने उसके लिए ड्रेस लिया हुआ था, लाइक मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट करा था बर्थडे पर मेरे, तो मैंने उसके बर्थडे पर वो चीज़ पहन ली, तो वही मैं पहन के बस ऐसे ही चली गई। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक चोटी करा और मैं चली गई। और वहाँ पर मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो थोड़ा देर तो मैंने बात बात किया, फिर भी मुझे मतलब खांसी काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी शाम तक, और मुझे फीवर चढ़ गया था, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। बट धीरे धीरे पार्टी में क्या हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड्स थे, बट मुझे ना बात करने का मन नहीं कर रहा था किसी से, मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा था, मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। मैं पूरी पार्टी, मुझे सबने बोला मास्क पहन करो, मैं पूरी पार्टी मैंने मास्क एक सेकंड के लिए भी नहीं उतारा था, मास्क पहना हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं लोगों से कांटेक्ट में नहीं आ रही थी, मैं दूर दूर रह रही थी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फीवर हो चुका था उस टाइम तक, और मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो चुका था कि मैं बैठ ही नहीं जा रही थी, मुझसे मैं बस लेटी हुई थी साइड में कोने में बेड पर, ना ही मुझसे कुछ खाया जा रहा था उस टाइम पर। मैंने कैसे कैसे करके थोड़ा सा चाउमिन बना था, तो मैंने थोड़ी सी चाउमिन खाई, उसके बाद मैं लेटी ही रही। उसके बाद क्या हुआ कि रूम में काफ़ी ज़्यादा हल्ला होने लगा था, मैं बीच में सो गई थी, मुझे समझ में नहीं आता, काफ़ी ज़्यादा हल्ला होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी रूम में, तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला होने लगा था, तो मैं उठ के बाहर चली गई। बाहर जाने से पहले मैं मम्मा के पास गई थी, मम्मा किचन में थी, तो मम्मा से मैंने बोला ये बात कि मम्मा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है अंदर से, मेरे को बहुत ही ज़्यादा चक्करें आ रही है। तो मम्मा ने बोला कि आराम करो, सो जाओ, बस थोड़ी देर में यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करके निपटा के घर चलते हैं, मैं पापा को बुला दूँगी, तुम उनके साथ चली जाना। तो मैंने सोचा ठीक है, रूम में हल्ला हो रहा था, तो मैं बाहर गैलरी में जहाँ पे डेकोरेशन हुए हुए थे वहाँ पे जाके बैठ गई। उस टाइम पे आशी वगैरह सबने चेंज कर दिया था, 10 ऑलमोस्ट बज चुके थे, मेरी चाची लोग, कज़न्स, दादी, सब कोई था, तो उस टाइम पे मैं वहीं बैठी हुई थी, मतलब मैं लेटी नहीं थी, बस मैंने ऐसे सर पकड़ के मैं बैठी हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आशी आई और वो गिफ्ट्स लेके जा रही थी अपने, तो मैंने उसे पूछा कहाँ जा रही हो, गिफ्ट खोलने, तो बोले कि हाँ दीदा मैं गिफ्ट खोलने जा रही हूँ, तो सब दीदी लोग हैं तो मैं जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मुझे मतलब मन किया कि मैं गिफ्ट देके जाती हूँ, तो मैं जा रही थी। उस टाइम पे ऑल ऑफ सडन पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मैं इतना ज़्यादा मैं लो हो गई, मेरी आँख के सामने बिल्कुल अंधेरा हो गया, और उस टाइम पे मुझे फीवर भी काफ़ी 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 ज़्यादा था, लाइक काफ़ी ज़्यादा फीवर था, और उस टाइम पर मैं बस बेहोश हुई और गिर गई, मतलब मेरे सामने आपके सामने कुछ नहीं दिखा, मतलब एकदम खत्म ब्लैंक। उसके बाद मैं बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद फिर मुझे मतलब क्या हुआ, वहीं पे मैं पड़ गई थी नानी के रूम के जस्ट बाहर, तो उसके टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कुछ, उसके उस टाइम पर मुझे कुछ नहीं याद है। फिर मुझे याद आया कि मेरी दादी मतलब मुझे पैसे से ऐसे ऐसे पहुँच रही थी, लाइक नज़र उतारना जैसे बोलते हैं, फिर मेरी नानी, चाची सब लोग घबरा गए थे, सब लोग ने बोला कि यार अंदर से बहुत कमज़ोर है, अंदर से बहुत कम, मतलब मेरे को अंदर से बहुत कमज़ोर है, बाहर से कोई कैसा हो क्या, मतलब मेरी थोड़ी सी मैं थोड़ी सी मोटी तो हुई मैं, तो उसी पर सब लोग बोल रहे थे कि बाहर से कैसा हो मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अंदर से इंसान का इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है नहीं होता, तो वही सब फिर मुझे डांटने लग गए कि मतलब मेरे को बोलने लग गए कि बाहर का खाती है, बाहर का खाती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, ये वो ऐसे वैसे। मेरी दादी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, नानी वगैरह सब कोई डर गया था, क्योंकि ऐसे मैं बिल्कुल कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ, टच वुड, मैं कभी बीमार नहीं पड़ती हूँ ऐसे, और इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। इस टाइम पर मुझे भी लग रहा था कि ओ माई गॉड कोरोना मुझे ना हो गया, क्योंकि सर्दी थी, खांसी थी, वीकनेस हो रही थी, कुछ चीज़ का स्मेल नहीं जा रहा था मेरे नाक में, कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था मुझे। और मैंने जब कैसे कैसे करके जब लोगों ने मुझे रोटी नहीं कचौड़ी खिलाया था, उसका टेस्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ओह मुझे कुछ टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मतलब मैं मुझे भूख लग रही थी बट मैं खा नहीं पा रही थी, मैं कुछ एक कचौड़ी मैंने खाया होगा, उसका टेस्ट ही मुझे नहीं समझ में आया, मुझे इतना वो वाहिया टाइप का था, मुझे मन कर रहा था कि मैं कुछ मीठा ही खाऊँ। उस दिन तो मुझे खैर कुछ नहीं मन किया, 13 तारीख को जिस दिन आशी का बर्थडे था, फिर मैं पापा आए, उन्होंने मुझे घर ले गया है, और उसके बाद मैं घर आके बिल्कुल पड़ी रही लेटी रही। उसके बाद मुझसे ये भी नहीं हुआ कि मैं कपड़े तक चेंज करूँ, फिर मैंने कैसे कैसे करके कपड़े चेंज किए, फिर मेरी ब्रेड्स बनाई मम्मा ने, फिर मैं, पापा सोए थे और मम्मा मेरे रूम में सोई थी,
रात को ये पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं कर देती हूँ। रात को मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा सपना है, लेकिन इतना ज़्यादा अजीब सा सपना है कि मैं क्या ही बोलूँ, कि मैं रात को नींद में उठ के मम्मा 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 चिल्लाने लग गई, और वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर सपना था। मैं उसके बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहती क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 2:20 कम है, तो अकेले हूँ मैं इसलिए, तो इसीलिए। और फिर उसके अगले दिन भी उनसे उठा तक नहीं जा रहा था सुबह को, और बहुत ही ज़्यादा उस दिन अजीब लग रहा था मुझे। उस दिन सुबह में मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था मुझे, लाइक कोई चीज़ की होश नहीं, कुछ नहीं, कुछ चीज़ का टेस्ट नहीं जा रहा था, भूख नहीं लग रही थी पूरा, मतलब दिन तक तो मैं ऐसे ही वेस्ट मेरा गया। उसके बाद मैं दिन भर सो ही रही, उठ रही थी देख रही थी सो रही थी, उठ रही थी देख रही थी सो रही थी, कुछ खाने का मन नहीं कर। दिन में कैसे कैसे करके मैंने कचौड़ी और पनीर खाया, वो भी एक, उसके बाद मुझे उस चीज़ का टेस्ट ही नहीं आया। वो दिन तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ख़राब दिन रहा। 2-3 दिन वो जो गुजरे मेरे साथ, कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आना, कुछ नहीं होना, फीवर बढ़ते जा रहा था, ये भी नहीं कि रुक जाए, बढ़ते हुए जा रहा था। घर में पूजा वूजा सब हुआ कि लग, सबको ये चीज़ लग चुका था कि कोरोना है, क्योंकि मैं कोचिंग जाती थी लॉकडाउन में, मैं कोचिंग जाती थी, भले ही मैं प्रिकॉशंस लेके जाऊँ, मैं मास्क पहनूँ, मैं ग्लव्स पहन के जाऊँ, बट क्या होता था कि मैं इसमें को स्टेशन क्रॉस करके जाना होता था, तो स्टेशन पे काफ़ी जगह से ट्रेनें आती हैं, काफ़ी जगह से लोग आते हैं, कोई गांव से कोई दूसरे दूसरे सिटी से आता है, तो लोगों के कांटेक्ट में लाइक कितना भी हो, लेकिन स्टेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही थी। दैट्स वाई मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, तो सबको लगा कि कोरोना है। 2 दिन के बाद में एक 2 दिन का टाइम दिया गया कि मैं स्टेबल होती हूँ नहीं होती हूँ। 2 दिन के बाद मेरा कोरोना टेस्ट होने वाला था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि मैंने सर्च किया था कि वो नाक में से कुछ डालते हैं ऐसा कुछ, बट उसके अगले दिन मैं उठी, 2 दिन से मैं नहाई वहाई नहीं थी। उस दिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कोरोना का टेस्ट नहीं करवाना है। उस दिन मैं जब सुबह में उठी तो मेरे को हल्का हल्का मतलब अच्छा लग रहा था, लाइक हेडेक कम था, मतलब ये बुखार सब कुछ कम था। फिर उस दिन मैंने शार लिया, प्रॉपर नाश्ता किया उस दिन मैंने, मतलब ये मेरा रूटीन था। मम्मी सुबह में नट्स देती थी मेरे को और एक एप्पल काट के देती थी, तो उस दिन भी मम्मी ने दिया, वो मैं खाई। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा, मैंने बोला कि मेरे को टेस्ट समझ में आ रहा था कि हाँ एप्पल है, मेरे को टेस्ट समझ में आ रहा था। फिर जब मम्मा ने रोटी और पनीर आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो मैं खाई, उसका भी मेरे को टेस्ट समझ में आया कि हाँ मतलब नमकीन वगैरह समझ में आ रहा था। उसके पहले उन लोगों ने एक रात पहले ही उन्होंने मुझे मिर्ची खिलाई थी मेरा टेस्ट बर्ड चेक करने के लिए, कि मुझे समझ में आ रहा नहीं। मिर्ची मैं खा चुकी थी आधी मिर्ची, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था उसका टेस्ट। मैंने गुड़ खाया था, मीठा टेस्ट कराने के उन लोगों ने मुझे गुड़ दिया, गुड़ मुझे बिल्कुल पानी जैसा लग रहा था, मुझे कुछ भी खाना खा रही ना पानी जैसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। फिर बाद में उस दिन मैं बिल्कुल ठीक रही, तो ना उस दिन उन लोगों ने मतलब कोरोना टेस्ट कैंसिल करवा दिया, लाइक नहीं गई मैं कोरोना टेस्ट करवाने। उसके बाद धीरे 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 करके ना मतलब उसके अगले दिन मैं और स्टेबल हो गई। मेरी मैम का फ़ोन आया, उन लोगों ने मुझसे बात करी, उस दिन मैं ठीक थी। फिर उसके अगले दिन मेरे को थोड़ा सा फीवर आया, बट उसके बाद मैं धीरे 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 करके मतलब 18 तारीख तक ठीक हुई, और आज 19 तारीख है तो मैं आप लोगों से भी बातें कर रही हूँ। सो गाइज, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 12 मिनट की हो चुकी है, और इससे पहले का जो भी क्लिप्स है वो सब मुझे ऐड करना ही है एडिटिंग में, तो शायद लंबी हो जाए वीडियो। तो यहाँ अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप लोग देखना और मेरी बातों को सुनना। सो गाइज, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कोरोना वायरस को लेकर के, कि लोग बहुत ही ज़्यादा इसे अफवाह के टाइप में भी ले रहे हैं, तो यहाँ इसलिए गाइस देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर वायरल हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बस अपने आपको एश्योर करने के लिए जाते हैं, ये देखने के लिए कि उनको कोरोना है नहीं है, ये देखने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास करवाते हैं। बट आपको अगर नॉर्मल हो रहा है ऐसा वायरल टाइप का है, तो आप घर में भी जो है हल्दी वाला दूध पी के, स्टीम लेके, भाप लेके, साथ ही साथ काढ़ा वाढ़ा पी के ठीक हो सकते हो आप। लेकिन प्लीज़ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा कोरोना हुआ होगा उनके लिए बेड्स नहीं बच रहे हैं। तो यही चीज़ था जो मैं आप लोगों से बोलना चाह रही थी, क्योंकि मेरे को भी अगर मैंने तो टेस्ट
फेस नहीं कर रहे हो सकता है कि मुझे कोरोना वायरस रहा हो, मुझे हल्का सा माइंड कोरोना वायरस रहा हो, या फिर जिनको मेजर हो रहे हैं उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग टेस्ट करवा के हॉस्पिटल में एडमिट हुएँ, क्योंकि कोरोना वायरस जो है होना तो सबको है, ये चीज़ सबको हो रही है, ये मेरे को समझ में आ रहा है। मेरे को भी अंदर से ऐसा इंट्यूशंस लग रहा था कि मेरे को कोरोना वायरस है 110%, सारे सिम्टम्स मेरे को खुद से अंदर से ये चीज़ लग रहा था कि हाँ कोरोना, ये तो मेरा टेस्ट नहीं हुआ, ये अलग बात है कि मैं ठीक होने लगी थी, क्योंकि ये दो तीन चार दिन थे जिनमें मैं बहुत ज़्यादा फीवर था, मैं बीमार थी, मैं बहुत दिन में तीन चार बार स्टीम लेती थी, सिर्फ गर्म पानी, कहाँ मुझे ठंडे पानी की आदत थी, मैं सिर्फ गर्म पानी पीती थी, बॉइल्ड वाटर। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। और मेरे रूम में कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था, मुझे खाना नहीं दे दिया जाता था, मेरे रूम में कोई नहीं आता था, मुझसे खैर खाया तो जाता नहीं था, खैर आधा मैं खाती थी आधा फेंका ही जाता था। सो यहाँ इसलिए मैं रूम से बाहर भी नहीं निकलती थी, वॉशरूम इधर ही बगल में मेरे रूम के, तो मुझे ज़्यादा टेंशन तो नहीं हुआ, बट मन नहीं लगता था, ये होता था, लेकिन आपको खुद को ठीक करना है ना, तो ये इतना तो आपको करना ही होगा। सो गाइस यही थी मेरी स्टोरी। तो यहाँ मुझे ये तो अभी तक नहीं पता कोरोना था कि नहीं था, बट या बोल सकते हैं कि माइनर कोरोना था, क्योंकि कोरोना के सारे सिम्टम्स थे मुझे। सो या गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक है, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर लगी हो कि ना तो लाइक कर देना गाइस और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि जिनको इसकी नीड है ना कम से कम ये उन तक तो पहुँचे। और गाइस प्लीज़ आप लोग मेरे वर्क को अप्रिशिएट करो, इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी के लिए, ईच एंड एवरी वन, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, मेरा व्यूज़ बढ़ाने के लिए, मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहो, आप लोगों का सपोर्ट है तो है हमारा चैनल, हम हैं, या फिर बस गाइस ये चैनल भी तो आप ही लोग का है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप लोग। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप कि जल्द आप लोगों को नेक्स्ट अच्छा सा कोई वीडियो देखने को मिले।